कैट टू थाउजेंड सेवनटीन स्लोट वन क्वेश्चन नंबर सिक्स दिस क्वेश्चन इज बेज ऑन मार्क्ट प्राइस सेलिंग प्राइज एंड कॉस्ट प्राइस लेट्स सी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये दिस क्वेश्चन सेज दैट इफ ए सेलर गिवस ए डिस्काउंट ऑफ फिफ्टीन परसेंट ऑन रिटेल प्राइस शी स्टिल मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ टू परसेंट विच ऑफ द फॉलोइंग एन श्योर्स दैट शी मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ ट्वेंटी परसेंट सो so, there आर फोर options here गिव a डिस्काउंट ऑफ 5% परसेंट ऑन रिटेल प्राइस गिव अ डिस्काउंट ऑफ टू परसेंट ऑन रिटेल प्राइस इंक्रीज द रिटेल प्राइस बाई टू परसेंट और सेल एट रिटेल प्राइस रिटेल प्राइस मतलब यहाँ पे मार्क् प्राइस जो प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ है सो so, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं आ, आ, क्लास में हम एक कॉन्सेप्ट पहुँचते हैं वो कॉन्सेप्ट आता भी कैसे है मैं वो एक्सप्लेन कर दूँगा आपको पहले आप एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को हम सिंपली ऐसे कर सकते हैं एम पी अपन सी पी एम पी इज नथिंग बट द रिटेल प्राइस इसे मार्क्ट प्राइस भी बोलते हैं हम जो कि प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होता है एंड सी पी डिनोट कॉस्ट प्राइस दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू ये इक्वल होता है हमारा हंड्रेड प्लस पी डिवाइडेड बाय हंड्रेड माइनस डी यहाँ पे पी किसको डिनोट कर रहा है पी डिनोट कर रहा है प्रॉफिट परसेंट को और डी किस डिनोट कर रहा है डिस्काउंट परसेंट को अब ये फॉर्मूले पे हम पहुँचे कैसे तो ये फॉमूला पूरा डिराइव हो जाता है मैं आपको अभी दिखा भी देता हूँ डिराइव करके बट उससे पहले एक बार क्वेश्चन खत्म कर लेते हैं हम या फिर पहले एक बार फार्मूला देख लेते हैं ये कैसे आया और इसमें क्या क्या होता है एमपी डिनोट्स मार्क प्राइस या फिर रिटेल प्राइस सीपी डिनोट्स कॉस्ट प्राइस पी प्रॉफिट परसेंट है डी डिस्काउंट परसेंट आपको परसेंटेज में नहीं दिखाना वो सब सोल्व करके आ जाता है अब हम क्लास में करते हैं इस चीज़ को देखो डिराइव करने के लिए एक्चुअली सेलिंग प्राइस निकालने के दो तरीके होते हैं Osionfish. एक तरीका होता है सेलिंग प्राइस निकालने का कि कोस्ट प्राइस में आप प्रॉफिट ऐड कर दीजिए दैट इज वन प्लस पी बाय हंड्रेड और दूसरा तरीका होता है सेलिंग प्राइस निकालने का दूसरा तरीका होता है सेलिंग प्राइस निकालने का दैट इज आप मार्क प्राइस में से डिस्काउंट माइनस कर दीजिए मार्क प्राइस में से डिस्काउंट आप माइनस कर दीजिए ये दो तरीके हैं तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू को तो क्योंकि दोनों ही सेलिंग प्राइस हैं तो हम कंपेयर कर सकते हैं पहले सेकेंड वाली लिख रहा हूँ विच इज एम पी वन इज नथिंग बट हंड्रेड परसेंट आई कैन डिनोट इट विद हंड्रेड परसेंट हंड्रेड परसेंट इज नथिंग बट वन हंड्रेड बाय हंड्रेड एंड डी बाय हंड्रेड इज नथिंग बट डी परसेंट क्योंकि परसेंट को हम हटाते हैं तो डिवाइड बाई हंड्रेड हो जाता है ऐसे ही अगर दूसरी तरफ लेके चलें तो सी पी इंटू वन इज नथिंग बट हंड्रेड परसेंट एंड पी बाय हंड्रेड इज नथिंग बट पी परसेंट ठीक है यहां पे तो यहां से अगर हम थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो एम पी अपोन सी पी का जो वैल्यू आता है हमारा एम पी अपोन सी पी का वैल्यू सी पी नीचे ले आइए आप तो वो आ जाता है हंड्रेड प्लस पी डिवाइडेड बाय हंड्रेड माइनस टी आप कहेंगे सर ये परसेंट कहाँ गया सब में से तो क्योंकि परसेंट सब में था तो वो कॉमन लेके कट जाता है वो काट दिया हमने कॉमन लेके आप ऐसे सोच लीजिए कॉमन लेके काट दिया उसको तो ये फॉर्मूला इसकी मैं बात कर रहा था दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हियर बाई यूजिंग दिस फॉमूला हम कई क्वेश्चन कर सकते हैं कौन से क्वेश्चन कर सकते हैं जहाँ पे एम पी सी पी डिस्काउंट परसेंट प्रोफिट परसेंट की बात की गई हो उन क्वेश्चन को हम तुरंत खत्म कर सकते हैं सो हाउ टू डू दिस क्वेश्चन सो लेट सी दिस क्वेश्चन तो ये वाला फॉमूला हमने हमने अभी अभी ड्राइव किया याद करने का तरीका क्या होता है एम पी या पौन सी पी सी पी नीचे है तो ऊपर हंड्रेड प्लस पी और एम पी ऊपर है तो नीचे हंड्रेड माइनस टी ठीक है अब आप देखेंगे यहाँ पर हमें प्रॉफिट टू परसेंट का चाहिए तो आप ऊपर टू पुट कर दीजिए तो हंड्रेड प्लस टू या हंड्रेड टू हो जाएगा और डिस्काउंट 15 परसेंट का देना है हमें डिस्काउंट 15 परसेंट का रिटेल प्राइस पे 15 परसेंट है तो ये 85 हो जाएगा तो इसका मतलब एम पी अपन सी का जो वैल्यू आएगा हमारा दैट इज़ हंड्रेड टू अपोन एटी और इसे अगर हम 17 से काट भी लेते हैं तो दिस वैल्यू कम्स आउट्स टू बी 17 सिक्स जा हंड्रेड टू सेवनटीन फाइव जा एटी फ़ाइव तो एम पी अपन सी का वैल्यू हमारा 6 बाई फाइव आ गया जिससे हमें क्लियरली दिख रहा है कि एम अगर 6 है सी पी यदि पाँच है और अगर मैं कोई भी डिस्काउंट ना दूं तो मुझे एक रुपये का प्रॉफिट होता है देखो डिस्काउंट नहीं दे रहा हूं तो मैं रिटेल प्राइस पे बेच रहा हूं छः रुपये में बेच रहा हूं पाँच रुपये वाली चीज़ तो मुझे एक रुपये का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे पाँच रुपये पर क्योंकि कॉस्ट प्राइस पाँच रुपये प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सी पी तो मेरे पास जो प्रॉफिट आता है अगर मैं कोई भी डिस्काउंट ना दूँ तो जो मेरे पास प्रॉफिट निकल के आता है वो ट्वेंटी परसेंट निकल के आता है और मुझे भी ट्वेंटी परसेंट का ही प्रॉफिट जो है इन्श्योर करना है तो मुझे बताइए चारों ऑप्शन में से मैं कौन सा लगाऊंगा टू तो इन्श्योर कि मुझे ट्वेंटी का प्रॉफिट हो जाए तो टू तो इंश्योर दैट कि मुझे ट्वेंटी का प्रॉफिट हो जाए कैन वी से दैट मुझे इस प्रोडक्ट को रिटेल प्राइस पे बेचना पड़ेगा आई हैव टू सेल दिस प्रोडक्ट एट रिटेल प्राइस तो आंसर ऑप्शन डी मैच करता है आंसर ऑप्शन डी वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस question.